हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वेदा। अ वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज गए और फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने इंग्लिश क्रैश कोर्स की डे 7 के साथ, आज आप लोगों के साथ। और आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टार्ट हो रही है। क्या? टाइम एंड टेंस, हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, पहला चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने बहुत अच्छे से किया है, विद ऑल प्रैक्टिस सेट एंड टेस्ट ये सब कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने वो वीडियोज़ देखी हैं और आपको इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अगर हुआ है तो हिट द लाइक बटन, नहीं हुआ तो वीडियोस जाके देखिए और फिर लाइक करिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम टाइम एंड टेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया तो एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि मैम, आप बहुत रूल्स बताती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला, मैम मुझे ये बताओ कि अगर मैंने पीएम मोदी लिखा है तो मुझे ये बताओ कि पीएम मोदी के साथ वॉज ही क्यों लगेगा, वर क्यों नहीं लग गया। तो दोस्तों, मैं इस बात से जानी कि हमें ये बेसिक टेंस चार्ट ही नहीं पता है स्टूडेंट्स को, इसलिए इस चीज़ की उनको प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं ये बेसिक टेंस का चार्ट यहाँ सबसे पहले आज डिस्कस करूँगी, टेंस स्टार्ट करने से पहले, फिर आगे बढ़ूँगी। क्योंकि हमें सबको साथ लेना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। तो पहले जैसे कहा था मैंने कि इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा अपने आप को ऐसे शांत रखें कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से ले रही हूँ, लेकिन फिर मैं फुल एडवांस पे भी जाऊँगी। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी सीखने की कोशिश करें ताकि वो एट पार आ सके सबके कंपटीशन के लेवल के। तो देखिए टेंस का चार्ट क्या कहता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आगे से ऐसे डाउट्स आप लोगों के नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला क्या था इसमें, देखिए चार तरह के हमारे होते हैं टेंस। एक इंडेफिनिट टेंस, एक कॉन्टीन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये चार तरह के होते हैं और उनमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये इसका मतलब है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। अब देखिए एक एक करके बताती हूँ। जैसे ये इंडेफिनेट और प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हुई है। ये इंडेफिनेट और पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनेट की बात हुई है। और ये इंडेफिनेट और फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हुई है। तो देखिए इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं, राम, राम गो टू स्कूल कहूँ मैं, राम गो टू स्कूल ऐसे कहूँ मैं अगर। अब देखिए राम क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है आपका, एस या ई एस लगता है। तो पहले तो यहाँ होगा गोज टू स्कूल, कि राम स्कूल जाता है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या कहता है, जो मैं काम कर रहा हूँ, ता करता हूँ, करता ता है, ती है, ये सब आपका किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, कि ये जो काम करता है, करती है, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो मेरी डेली की रूटीन होती है उसका। या अगर ऐसे लिखा है वर्ब तो एस या ई एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है, जैसे वी गो टू स्कूल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना सिंपल, वी गो टू स्कूल, क्योंकि वी है तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर डू या डज, ये भी आ सकता है। जैसे आई डू हैव पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है, तो मेरे पास पेंसिल होती है, तो मेरे पास हमेशा पेंसिल होती है। आई डू हैव पेंसिल ऑलवेज व्हेन आई गो टू स्कूल, तो मेरे पास रोज़ ही पेंसिल होती है, तो आई के साथ डू, अगर शी होता तो डज। तो ये चीज़ें लगती हैं एस ई एस या डू डज लगती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो मैंने अगर कहा कि पीएम मोदी मीटिंग में जाते हैं, रोज़ जाते हैं, तो पीएम मोदी गोज टू द मीटिंग एवरी डे, तो यहाँ पर इसलिए लगा ई एस। तो आई होप जिन जिन का ये डाउट था वो डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी डाउट है तो फिर कमेंट करें, जितना पूछेंगे उतनी बार बताऊंगी, हर बार नए एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, जो समझ नहीं आया वो बताऊंगी, पर पूछें ज़रूर। अब अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनेट में आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। जैसे कैसे, जैसे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, तो यहाँ पर जो गया होता था, तो गया, अगर वो स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, और या फिर वो स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ये तो आपका प्रेजेंट में था, और गया तो पास्ट हो गया, तो वो ही वेंट टू स्कूल। और उसी के साथ एक और चीज़ कैसे लगती है, अगर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगी, देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन, ये होती है आपकी तीनों फॉर्म। तो वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म है ना, इसलिए पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, गॉन नहीं लगता, याद रखिएगा। मैं आगे बताऊंगी थर्ड फॉर्म भी लगती है कहीं पर, यहाँ पर सेकेंड ही लगती है हमेशा। और या फिर डिड, देखो डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे डू के साथ लगती है ना, ही डू हैव, जैसे मेरे पास आई डू हैव पेंसिल, या आई डिड गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, देखो इसका मतलब ताता ही होता है, जाया करता था। अगर मैं ये कहूँ आई हैड गॉन देयर, तो मैं वहाँ गया, वो कुछ और होता,
लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, डिड का मतलब मैं किया करता था, तो आई डिड गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आता है, आपका विल या शैल आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई विल गो देयर, आई विल ईट आइसक्रीम, तो देखो विल के साथ ये नहीं आया, ईट्स नहीं आएगा, विल के साथ ईट ही आएगा, तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, अगला पे चलते हैं हम कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है हमारा, इज एम आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन डी। जैसे आई एम स्टडिंग, द स्टूडेंट्स ऑफ एस एस सी वेदा आर स्टडिंग टेंस, तो जो काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ प्रोग्रेस में चल रही है, जैसे कोई चीज़, एक सेकेंड, कोई चीज़ हम अगर कर रहे हैं तो वो क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है, जो आप कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस में है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं एस एस सी वेदा पे, तो यू आर स्टडिंग, तो आर और उसके बाद वर्ब यानी कि स्टडी प्लस आई एन जी, तो यू आर स्टडिंग। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो आप पढ़ा करते थे, आप पढ़ रहे होते, तो यू वॉज या वर के साथ आपका क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा। जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था, तो यानी कि आप जो पहले कर रहे थे वो चीज़। और विल भी मैं जो करूँगा, आई विल बी एन इंस्पेक्टर वन डे, मैं एक इंस्पेक्टर बनूंगा एक दिन, तो आई विल बी एन इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है विल बी के साथ, आई एन जी नहीं लगता। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर विल बी के साथ मैंने आपको क्या बताया कि विल बी वर्ब प्लस, अच्छा यहाँ पे मेरी एक चीज़ मिस हो गई, सॉरी सॉरी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आई विल बी स्टडिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही यही है कि उस वर्ब के बाद आई एन जी लग जाए, वो मेरा यहाँ मिस हो गया था इसलिए मैंने देखा नहीं। तो विल बी के साथ क्या होगा हमारा, आई एन जी होगा। अब अगले पे आते हैं हम परफेक्ट। परफेक्ट पे क्या होगा हमारा, देखिए परफेक्ट क्या हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैज़, अब हैज़ या हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैंने आपको कहा था यहाँ पर इंडेफिनेट में, ऊपर पास्ट इंडेफिनेट में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ लगती है आपकी थर्ड फॉर्म। शी हैज़ डन दिस, तो अब वो कर चुकी है, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, तो शी हैज़ डन दिस, वो ये काम कर चुकी है। शी हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ जा चुकी है, तो गो वेंट गॉन, देखो थर्ड फॉर्म लग गई ना, शी हैज़ गॉन देयर। शी हैड गॉन देयर होता तो वो वहाँ जा चुकी थी, जो काम हम पहले कर चुके हैं, तो चुका हूँ जब जहाँ आ जाए ना, चुका है जो चीज़, वहाँ पर ये परफेक्ट लग जाता है। और ये कर रहा है और ये करता है, तो ये जो डेली डेली करता है, ये जो कर रहा है और ये कर चुका है, डिफरेंस समझिए इन सब का, क्योंकि अभी जब मैं कॉन्टिन्यूस में रूल्स बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कहाँ इंडेफिनेट लगेगा, कहाँ कॉन्टिन्यूस, कहाँ परफेक्ट। और फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जब ये सिंस या फॉर लगे, मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, तब में लगता है परफेक्ट, तब लगता है कॉन्टिन्यूस आपका। और उसमें भी कॉन्टिन्यूस में कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है, और किस में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। जैसे कैसे, आई हैज़ बीन या आई हैव बीन डूइंग दिस, तो आई हैव बीन हो गया प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 15 नवंबर, तो मैंने लगा दिया ना कि मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ, तो हैड बीन मैं पढ़ा रही थी, और विल हैव बीन मैं पढ़ा रही होंगी। तो ये इस तरह से आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जब सिंस या फॉर लग जाए। तो इसको हम और डेप्थ में अभी आगे पढ़ेंगे, ये आपका एक बेसिक चार्ट था, एक आपका ओवरव्यू था, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। आई होप कि आप लोग अब अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहला क्या है हमारा, देखिए इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पास्ट इंडेफिनेट करेंगे, और फिर हम फ्यूचर, और एक एक करके सब पे ऐसे ही बढ़ेंगे। तो देखिए इंडेफिनेट में क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट बोलो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलेंगे, अगर मैं सिंपल पास्ट बोलो तो आप पास्ट इंडेफिनेट बोलेंगे, और मैं अगर सिंपल फ्यूचर बोलूँ तो आप फ्यूचर इंडेफिनेट बोलेंगे। तो इस सिंपल का मतलब इंडेफिनेट होता है, ये कंडीशनल में मैं सिंपल ऐसे बोलूँगी तो आप समझें कि ये इंडेफिनेट है, याद रखिएगा इसे। तो देखिए इंडेफिनेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, इंडेफिनेट में आपकी
ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई आपका रेगुलर रूटीन हो या आपकी कोई हैबिट हो, हैबिट होगी देखो जैसे कि मेरी रेगुलर रूटीन है मैं स्कूल जाता हूँ, या मेरी हैबिट है मैं कुछ मुझे कुछ खाना पसंद है, जैसे मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है तो मेरी ये हैबिट है। कोई सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि कोई प्लान जर्नी हो कि प्लान कर लिया है आपने कि आप अब सिंगापुर घूमने जाने वाले हैं तब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई रिपोर्ट हो तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई विविड नरेटिव हो। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या होता है कहानी में, जैसे अब कहानी कोई सुना रहा है और सुनाते सुनाते उसमें अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो उसका भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। कोई आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, कोई आपका स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो, या कोई कोट्स जो होते हैं कोटेशन होती है उनका इंट्रोडक्शन हो, इन सभी जगह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ऐसे में कोई चीज़ बताती ही नहीं क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ आना ही रूल ही यही बताया, एग्जाम्पल से रूल को सीखो ना कि रूल से एग्जाम्पल को। तो देखिए रेगुलर रूटीन क्या है, ही गोज़ टू स्कूल, उसका रोज़ का रूटीन है स्कूल जाता है, रोज़ का रूटीन है कोचिंग जाते हो आप, रोज़ का रूटीन है आपका 6 बजे क्लास होती है, तो ये सब आपके रूटीन है। हैबिट क्या है, वो बहुत पीता है, वो शराब पीता है बहुत ही, ड्रिंक्स अलॉट, तो वैसे तो ये बहुत गलत हैबिट है बट हैबिट तो हैबिट ही है, हैबिट्स डाई हार्ड। तो ये आपका हैबिट हो गया। अब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे कि कुछ भी आपका ट्रूथ आ सकता है, और जैसे कि मैंने एक चीज़ बोली ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ ऑलवेज लगा दिया मैंने तो वो सच बोलता है हमेशा, ये भी आपका इसलिए स्पीक्स लगा यहाँ पर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है आपका, वर्ब के साथ एस लगा, देख रहे हैं आप। यहाँ पर भी गो के साथ क्या लगा था, ई एफ लगा था, क्योंकि गो के साथ ई एफ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, ड्रिंक के साथ एस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगला देखते हैं, मैंने कहा था विविड नरेटिव आपको बताऊंगी क्या होता है। देखिए द पीपल ऑफ द किंगडम वर लिविंग पीसफुली बट वन डे डेविल कम्स एंड टेक्स अवे द प्रिंसेस, कि जो किंगडम जो राज्य के लोग थे बड़ी शांति से रह रहे थे। देखो यहाँ मैंने वर लिखा यानी कि वर कॉन्टिन्यूस है, देखो मैंने क्या कहा था वॉज वर्ब, वर्ब प्लस आई एन जी, देखो लिविंग कॉन्टिन्यूस में चल रही थी बात, बट फिर एक दिन क्या हुआ, डेविल आता है और वहाँ की प्रिंसेस को ले जाता है। तो देखो एकदम से अचानक से कुछ होता है ना, कहानी सुना रहे हैं बड़े शांति से, ऐसे 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 हुआ, लेकिन तुझे पता है फिर ऐसे हो गया, वो जो ऐसे बोलते हैं ना हम, तुझे पता है, तो वही चीज़ है, लेकिन तुम्हें पता है डेविल आके प्रिंसेस को ले गया। तो वन डे डेविल कम्स, ये कम्स होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा केम, नहीं होगा, तो यही विविड नरेटिव है, जब एकदम से अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। और देखो देखो द अपील ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ SSC CGL 2017 टू कैंसिल द एग्जाम डू नॉट इफेक्ट द एग्जाम शेड्यूल ऑफ SSC CGL 2018, 18 कर लो इसे, 19 तो अभी दूर की चीज़ है, 18 पे ही पहुंच जाएं पहले। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो 17 वालों की कैंसिलेशन की अपील है और 18 वालों का एग्जाम है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, स्टूडेंट्स की बात नहीं हुई, द अपील उनकी अपील उनकी याचिका की बात हुई है, तो क्या यहाँ पर डू होगा या डज होगा, डज नॉट होगा, तो यहाँ पर होगा डज। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे केसेस में भी जो आपके नॉर्मल केसेस हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे याचिका है तो उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा, ये भी अब सही हो गया। और देखिए देखिए मैंने जैसे क्या कहा था आपको स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो, तो अब कमेंट्री देखिए, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज मेकिंग अ सिक्स, छक्का मारते हुए बॉल गई, जब विराट ने बॉल पे बल्ला अपना मारा तो विराट स्ट्राइक्ड नहीं होगा, स्ट्राइक्स मारता है, तो ये एक कमेंट्री हो गई, जैसे आपको कमेंट्री सुनी ही होगी क्रिकेट में, सबने सुनी होती है ऐसे बोलते, और ये देखिए विराट जी आते हैं और उन्होंने लगाया छक्का, तो इस तरह से ऐसे जब बोलते हैं तो वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, और यहाँ पर ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स की कमेंट्री है, तो अब ये एकदम सही है। और मैंने क्या कहा था आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, जैसे क्या अब अर्थ हमेशा सन के चारों तरफ घूमती है, तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द, मूविंग नहीं ये तो ट्रूथ है, द अर्थ इज नहीं, अर्थ मूव्स, सिंपल MOVES, देखो मूव्स करेक्ट होगा क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा और प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है वर्ब के साथ एस, तो यही होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए और क्या कहा था मैंने, प्लान्ड जर्नी हो कहा था ना, देखो अगर नहीं याद तो फिर दिखाती हूँ क्या कहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्लान्ड जर्नी हो, ये देखिए, तो अब प्लान्ड जर्नी का एग्जाम्पल देखो, प्लान्ड जर्नी का क्या है कि आपने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया, भले ही वो बात का है 2 महीने 1 हफ्ता 10 दिन, पर प्लान कर लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लग जाएगा उसमें। तो कैसे, जैसे एग्जाम्पल द PM मोदी विल विजिट इसराइल नेक्स्ट वीक, इसराइल बहुत जाते हैं वो आपको पता ही है, तो अब वो विल विजिट होगा नेक्स्ट वीक की बात है, ये प्लान कर दिया हमने, अब प्लान कर दिया तो यहाँ विल नहीं होगा विजिट्स होगा,
तो क्या होगा यहाँ पर, विजिट्स होगा। जब भी टाइम आ जाए, इस बात को ध्यान दे, जब भी टाइम एक्सप्रेस करें ना हम, तो वो इनडेफिनेट में होता है या परफेक्ट में होता है। मैं आपको परफेक्ट के टाइम पे भी बताऊंगी, बट कॉन्टिन्यूअस कभी भी टाइम को नहीं बताता, ये टाइम की प्रोग्रेस को बताता है। तो इसलिए अगर टाइम दे दिया तो पहली बात विल देखते ही तो समझ जाओ ये गलती है। तो द पीएम मोदी विजिट्स इसराइल नेक्स्ट वीक। और एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर उज्ज्वल और गगन विल गेट मैरिड ऑन 26 मार्च। तो देखो अब इनमें से कोई 26 मार्च की शादी होगी किसी की, अब यहाँ पे विल गेट मैरिड नहीं होगा आपका, फिर से फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेट्स मैरिड होगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं और अच्छे से काफ़ी एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल्स में मज़ा भी आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो तब भी यही होता है, जैसे निर्मला सीतारमन बिकम्स द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए बिकम्स होगा यहाँ पर या बिकेम होगा, बन चुकी हैं वो, लेकिन हेडलाइन है इसलिए बिकम्स होगा। तो इस तरह की हेडलाइन भी जब आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, ये एकदम सही है। और देखिए मैंने क्या कहा था आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड्स, देखिए अगर नहीं याद तो फिर दिखाती हूँ, ये लास्ट मैंने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड्स में भी आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो कैसे, जैसे कीट्स, जो हमारे कीट्स थे बहुत ही फेमस आपके जो राइटर थे, उन्होंने क्या कहा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि हमारी जो खुशी है, ब्यूटी ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही खुशी देती है। तो अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन किया है उन्होंने एक कोटेशन का, ये कोटेशन है, तो उसके आगे क्या लगेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा, तो सैड नहीं होगा, ये तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होगा, कीट सेज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। और देखते हैं एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कोई राइटर्स की बात करी, सम राइटर्स सेज़ रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखो सम राइटर, राइटर है तो सेज लिखा है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगाया है, ये हमको सही लग रहा है, लेकिन सम, देखो मैंने सम आपको बताया था, सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ के साथ एक राइटर तो बिल्कुल नहीं होगा, सम राइटर्स होगा पहली बात, तो सम राइटर्स होते ही यहाँ सेज नहीं होगा, से होगा, तो क्या हुआ, राइटर्स ठीक किया और मैंने से कर दिया, तो ये दो एरर थी इसमें। तो सम राइटर्स से रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और से आपका क्यों होगा, क्योंकि ये एक कोटेशन है, कोटेशन का इंट्रोडक्शन प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो अब ये हो गया सही। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके यूज़ होने से प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ होता है हमेशा, तो वो वर्ड्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अगर आपको याद करने हैं तो आप करें, नहीं करने हैं तो उनको पढ़ लें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, इनको देख के घबराया ना करें। आपको इन ये सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग डर जाएं, इसका मतलब यह है कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए ताकि कहीं और ना भटकना पड़े। तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो ऑलवेज, देखो हमेशा कोई काम करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा, ऑफन, सेल्डम कभी कभी, यूजुअली अक्सर, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली मतलब कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, जनरली नॉर्मली कॉमनली फ्रीक्वेंटली काफ़ी बार, रेयरली बहुत कम, हार्डली शायद ही कभी, डेली रोज ऑलवेज हमेशा, एवरी डे रोज, एवरी मंथ, वंस अ ईयर, हेयर देयर। अब ये सब वर्ड्स जब आएंगे ना तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाती हूँ कैसे आता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एट एसएससी वेदा एवरी इवनिंग, देयर फोर दे आर इम्प्रूविंग। देखिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एसएससी वेदा पे हर शाम को 6 बजे, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट एसएससी वेदा एवरी इवनिंग, देखो एवरी लगा दिया, एवरी लगा दिया, तो अब मैंने क्या बताया, देखिए एवरी कहीं पर होगा, अगर एवरी डे समटाइम्स, ये देखिए एवरी लगाया मैंने यहाँ पर, एवरी इवनिंग कर दिया, तो क्या होगा इसके साथ, यहाँ आर स्टडिंग होगा क्या, या स्टूडेंट स्टडी होगा, बिल्कुल आर स्टडिंग नहीं होगा, ये तो कॉन्टिन्यूस है, स्टूडेंट स्टडी होगा और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, स्टडीज नहीं आया। ये चीज़ मैं आपको टेबल चार्ट के थ्रू क्लियर कर चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो अभी भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश एट एसएससी वेदा एवरी इवनिंग, क्योंकि वो रोज़ पढ़ते हैं इसलिए उनका रूटीन बन गया है ये, देयर फोर दे आर इम्प्रूविंग, अब ये सही हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल, समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट बिहेव्ड इन सच अ वे
that we could not trust whether the CJL verdict will be in our favor or against. कि सुप्रीम कोर्ट जी हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं वो कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो सीजल का रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आएगा जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो या फिर हमारे अगेंस्ट में आएगा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि हम पेपर कैंसिल होना चाहिए, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल रहे हैं, सेंट्रल पर डाल रहे हैं, गवर्नमेंट पर, फिर कहा कि सीबीआई रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा, उसके बाद फिर फिफ्थ पार्टी आ गई और अब न जाने क्या क्या होगा. ये एक ऐतिहासिक कहानी बनता जा रहा है सीजल का रिजल्ट. तो देखिए दोस्तों इसमें क्या मिस्टेक है. देखो समटाइम्स लगा है, तो समटाइम्स लगते ही सुप्रीम कोर्ट बिहेव्ड नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट बिहेव्स होगा. कि समटाइम्स मतलब कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिहेव करता है, तो ये वर्ड समटाइम्स लगने की वजह से क्या हुआ, प्रेजेंट इनडेफिनेट हो गया. और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी एस्पिरेंट्स हैड यूजली फॉरगॉटन दैट इंग्लिश क्लास इज़ एट 6 PM शार्प. बहुत से एस्पिरेंट भूल जाते हैं क्लास शाम को 6 बजे होती है. तो मैनी एस्पिरेंट्स यूजली अक्सर भूल जाते हैं, ये अक्सर देखिए यूजली वर्ड के साथ हैड नहीं लगेगा, यूजली फॉरगेट होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं तो फॉरगेट्स नहीं फॉरगेट होगा. तो ये फॉरगॉटन की जगह क्या होगा, फॉरगेट, FORGET, तो ये फॉरगेट हो गया आपका. तो क्या हुआ, मैनी एस्पिरेंट्स यूजली फॉरगेट दैट इंग्लिश क्लास इज एट 6 PM शार्प. तो ये अब आपका हो गया करेक्ट. नेक्स्ट पे आते हैं, हेयर कम माई फ्रेंड. देखिए हेयर कम माई फ्रेंड, देखो मेरा दोस्त आता है. तो देखिए यहाँ पर पहले दो तीन चीज़ें नोटिस करिए, ये सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, यानी कि आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है संबोधन वाचक चिन्ह. तो और उसके और सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, हेयर से शुरू हो रहा है, HER. तो यहाँ पर क्या लगेगा, मेरा फ्रेंड आता है, मेरा दोस्त है, वो एक बंदा है, तो कम्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी क्या बताया था, हेयर देयर लास्ट में क्या बताया, हेयर देयर जब हो तब भी प्रेजेंट इनडेफिनेट लगता है. तो हेयर कम्स माई फ्रेंड. अब देखिए हेयर देयर SSC का बड़ा फेवरेट है, इसके पे और भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो SSC के फेवरेट हैं, वो रूल भी मैं यही समझाती हूँ. ये रूल मैं आपका एडवर्ब में भी क्लियर करूँगी और अच्छे से, लेकिन इसको यहाँ पर समझिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी आएगी उसको यहाँ पे भी बताएंगे और वहाँ भी बताएंगे, जिस चैप्टर में वो आती है वहाँ पर डेफ में बताएंगे, यहाँ थोड़ा जल्दी में बताएंगे. तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स, हेयर देयर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर. देखिए हेयर यहाँ वहाँ, शायद ही कभी, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, कभी नहीं. अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ, शुरू हो, बीच में नहीं आए, शुरुआत में आए. अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो और इनके ख़त्म होने पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगे, ये वाला चिन्ह लग जाए जहाँ, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट लगता है, सिर्फ वहीं लग सकता है, ठीक है. और एक और चीज़ देखिए, अगर आपका वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, वर्ब के बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है, जैसे हेयर कम्स राम. तो देखिए राम क्या है, हमारा नाउन है, नाउन है, बिल्कुल संज्ञा है, और उससे पहले आता है आपका वर्ब, तो यहाँ पे आया कम्स. लेकिन अगर ये नाउन की जगह प्रनाउन हो जाता, यानी कि आपका सर्वनाम हो जाता, तो पहले वो आता, यानी कि प्रनाउन आपका वर्ब से पहले आता है, नाउन आपका वर्ब के बाद आता है. जैसे एग्जाम्पल, हेयर शी कम्स, मैंने ऐसा नहीं लिखा हेयर कम्स शी, हेयर कम्स शी मैं लिखती तो ये गलत था. क्यों, क्योंकि ये एक है प्रनाउन, यानी कि एक सर्वनाम, सर्वनाम वर्ब से पहले आता है, और अगर मैं यहाँ राम लिखूंगी तो ये सही है, संज्ञा जो नाउन है वो वर्ब के बाद आता है, ये समझाना चाहा है यहाँ पे. समझ आ रहा है, दोबारा सुन लो, कि वर्ब के बाद अगर नाउन है तो आपका वर्ब उससे पहले आएगा, और अगर प्रनाउन है तो वर्ब आपका उससे बाद में आएगा. तो अगर नाउन है कैसे, हेयर कम्स राम, और प्रनाउन है तो हेयर शी कम्स, और यहाँ पर चिन्ह भी लगा, और सेंटेंस शुरू किससे हुआ, हेयर से हुआ, तभी ये रूल लगेगा. और देखते हैं हेयर वी आर. देखो अब हेयर लिखा और वी क्या है, आपका प्रनाउन है, और ये क्या है, हेयर और आर है आपका. तो अब क्या चीज़ होगा यहाँ पर आपका, बताइए मुझे, हेयर वी आर डूइंग दिस, तो क्या होगा यहाँ पर, हेयर वी आर. लेकिन एक मिस्टेक जो यहाँ पर कर दी गई है वो क्या है, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया एक्सक्लेमेटरी का. अगर ये नहीं लगाया तो यहाँ पर वी आपका इधर आता, लेकिन ये लगाते ही अब ये करेक्ट हो गया. और देखिए देयर वॉज अ किंग. अब देखिए यहाँ पर मैंने देयर से सेंटेंस को शुरू तो किया, पर क्या इसमें भी मैंने ये वाला चिन्ह लगाया आपका, नहीं लगाया, मैंने तो फुल स्टॉप लगाया है यहाँ पर. तो देयर वॉज अ किंग, ये एकदम नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किंग पहले या वो बाद में आएगा, ये नॉर्मल सेंटेंस है. तो मैंने दो कंडीशन बताई हैं, एक तो सेंटेंस इनसे शुरू हो और एंड में एक्सक्लेमेटरी लगा हो, तभी ये रूल लगेगा. और देखिए
हेयर आर कमिंग माई पेरेंट्स. अब यहाँ पे ये लगा है, हेयर भी लगा है, अब यहाँ पे कमिंग लगा दिया, ये कॉन्टिन्यूस बना दिया मैंने, ये एकदम गलत है. हेयर कम माई पेरेंट्स होगा, क्योंकि पेरेंट्स दो हैं तो कम होगा, कम्स नहीं होगा, तो हेयर कम माई पेरेंट्स, अब ये करेक्ट हो गया. ठीक है दोस्तों, और देखिए एक और लास्ट चीज़ इस प्रेजेंट डेफिनेट का लास्ट जो हमारा एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर श्योर या सर्टेन वर्ड यूज़ हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है. जैसे योर फ्रेंड वॉज श्योर टू कम, तो अब देखिए वॉज श्योर टू कम या फिर इज श्योर टू कम. तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जब भी हमारा श्योर हो या सर्टेन हो, तो योर फ्रेंड इज श्योर टू कम हो या योर फ्रेंड वॉज श्योर टू कम हो, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ये मैं अभी छोड़ रही हूँ यहीं पर, क्योंकि इसमें हमारा बेर इन्फिनिटिव का रूल लगेगा 2+V1 का, और वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बताऊंगी कि 2+V1 का क्या रूल है और किस तरह से आपका यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा. ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी. आज का सेशन मैं यही एंड कर रही हूँ. आई होप कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, और हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनेट को ख़त्म कर दिया है. अब हम कल पास्ट इंडेफिनेट से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्यूचर इंडेफिनेट की ओर बढ़ेंगे. और ये सारे रूल्स आप एक बार कॉपी में लिख लें, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें. अब आपका वीकेंड है, कल संडे है. आई होप कि आप लोग जो भी पूरे हफ्ते मैंने पढ़ाया, ये आपकी जो भी आपकी ये 6-7 क्लासेस आई हैं, आप उनको रिवाइज कर लें, ताकि आप आगे पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट उस लेवल पर आ जाएँ, कोई भी चीज़ें छूटे ना, क्योंकि खूब सारा पढ़ाया गया है, उसको दिमाग में स्टोर करना सीखिए. तो वही आपको स्टोर करना है. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय.